हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। क्लास 11th के एक्सरसाइज 5.1 हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कैसे बनता है? रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर। जब भी हमारे पास रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उनका जो भी रिलेशन होता है उसी से हम क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे 5.2 में मॉडुलस एंड आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म। क्या होता है मॉडुलस और आर्गूमेंट, देखते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। हमें ये बताना है कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड करेंगे। कैसे? देखो, जो हमें दे रखा है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई कंपेयरिंग। अगर हम पोलर फॉर्म देखते हैं तो पोलर फॉर्म क्या होती है इसकी, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, और आर के अंदर मल्टीप्लाई की आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√3। क्योंकि दोनों जो आयोटा है, जो रियल पार्ट है, रियल को रियल से कर दिया, और जो इमेजनरी पार्ट है उसको इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। अब ये आ गया हमारे पास आर कोस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग। दोनों का स्केयर करेंगे और ऐड कर देंगे। इसका स्केयर करेंगे क्या आएगा, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, ये आ जाएगा आर कोस थीटा का होल स्केयर प्लस है। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट साइड में राइट को ऐड करेंगे प्लस है आर साइन थीटा का स्केयर इज इक्वल टू -1 का स्केयर प्लस है -√3 का स्केयर। अगर इसका स्केयर ओपन करेंगे क्या आएगा, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस है आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्केयर 1 प्लस √3 का स्केयर 3 आ जाएगा। अब दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, आर स्केयर, अंदर क्या बचेगा, कोस स्केयर थीटा प्लस है साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 + 3 = 4। आर स्केयर इज इक्वल टू में क्या आया आपके पास 4, और r इज इक्वल टू क्या आएगा +-2। लेकिन जब भी हम मॉडुलस फाइंड करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव को लेके चलेंगे, नेगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा 2, इट मींस मॉडुलस हमारे पास क्या आया 2। जो हम r फाइंड कर रहे हैं वही हमारे पास क्या है, मॉडुलस। उसके बाद हमें फाइंड करना है थीटा। आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा की एंगल कहाँ है। अब देखो, ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास मॉड आर की, वो पे हम वापस पुट कर देंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आर की जगह 2 पुट कर दिया, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -√3, कोस थीटा इज इक्वल टू -1, इधर से जाएगा -1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√3/2। अब देखो, कोस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, और हमारे पास ये होता है क्वाड्रेंट। फर्स्ट के अंदर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें क्या आ गया, कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कॉस और साइन दोनों नेगेटिव कहाँ होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तो क्या आ जाएगा, बोथ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ पर नेगेटिव होंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी, तो आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, जब पाई में से कुछ माइनस करेंगे हम, ये हमारे पास पाई है, और पाई में से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन आगे हमने इसलिए क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, -π - π/3, 3 1 जा 3, 3 में से पाई जाएगा 2, और क्या आ जाएगा, -2π/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आर्गुमेंट। जो हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारे पास आर्गुमेंट होगा, आर की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो हमारे पास है मॉडुलस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू -√3 + iota। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, जेड इज इक्वल टू -√3 + iota, और जेड हमारे पास क्या है, आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। बाई कंपेयर करेंगे, आर कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, -√3, और आर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, इसका कोफिशियंट क्या है, 1, तो क्या आ जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड
एडिंग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस रूट थ्री का होल स्केयर प्लस वन का स्केयर। इसमें से आर स्केयर कॉमन ले लिया, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री का स्केयर थ्री और वन का वन, थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, ये वन हो जाएगा, आर स्केयर इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टू। अब वैल्यू पुट करेंगे हम आर की, तो क्या आ जाएगा, आर की जगह टू आ जाएगा, टू कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, और टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब हमारे पास क्या आया, साइन पॉजिटिव आ गया, कोस नेगेटिव। साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वहाँ कोस क्या होता है, नेगेटिव। साइन थीटा पॉजिटिव एंड कॉस थीटा नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई में से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास ये आता है कि ये पाई बाई सिक्स कैसे आया, उसके लिए हमें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल होती है उससे निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारे पास आएगा, ठीक है। इधर की बजाय मैं इधर लिख लेती हूँ, आपके पास ज़ीरो 30, 45, 60 और 90। साइन थीटा क्या आ जाएगा, 0/0 0 आ जाएगा, और कॉस 0/4 सॉरी 0 आ जाएगा, 30 कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 का क्या आ जाएगा 1/2, 45 क्या आ जाएगा 1/√2, 60 आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, और 90 का क्या आ जाएगा 1। इसको चेंज करेंगे 1√3/2, 1/√2 और ये क्या आ जाएगा 1/2 और 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि कोस की वैल्यू, ऐसे हमें वैल्यू निकालनी कोस √3/2 और साइन 1/2। कोस √3/2 यहाँ है, ये हमारे पास कोस है, कोस √3/2 यहाँ है, और साइन क्या है यहाँ 1/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और ये कितने पे है, 30 पे है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स। इसीलिए हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने क्या रख रखी है, पाई बाई सिक्स। और पाई में से क्यों माइनस किया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, पाई है यहाँ पे, पाई में से कुछ माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, पाई बाई सिक्स। पाई माइनस पाई बाई सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स में से बन जाएगा फाइव, क्या आ जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर्गुमेंट फाइव पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म आपको बताई रखी है कि जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा है। देखो जेड इज इक्वल टू हमारे पास है वन माइनस आयोटा, बाई कंपेयरिंग आर इज इक्वल, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, रियल, रियल के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू वन, एंड आर साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन का स्केयर प्लस माइनस वन का स्केयर, आर स्केयर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन का स्केयर वन प्लस वन, आर स्केयर ये वन हो जाएगा, और वन प्लस वन टू, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट टू। प्लस और माइनस दो आते हैं, लेकिन मॉडुलस हमेशा प्लस में लेते हैं, इसलिए हमने क्या लिया प्लस रूट टू। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, रूट टू कोस थीटा इज इक्वल टू वन एंड रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, कोस थीटा इज इक्वल टू वन इधर आएगा वन बाई रूट टू, और साइन थीटा क्या आ जाएगा माइनस वन बाई रूट टू। अब कोस की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव, साइन की नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वहाँ कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन पहले हमें देखना है कि कोस की वैल्यू वन बाई रूट टू और साइन की वैल्यू वन बाई रूट टू किस के ऊपर है, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू कहाँ है, सेम 45 डिग्री पे, जहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 वन बाई रूट टू आएगा। अब दोनों 45 पे है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 45, 45 को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई फोर। देखो कैसे कोस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई फोर। क्योंकि जब हम इसमें से हमारे पास जो है ये आता है ऐसे, यहाँ पे वैल्यू होती है ज़ीरो और टू पाई, ठीक है। अब हम ज़ीरो में से माइनस करेंगे तब भी फोर्थ में आएंगे, तो क्या कर दिया, ज़ीरो माइनस
पाई बाई फोर कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई फोर आ जाएगा। अब पोलर फॉर्म क्या थी, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है हमारी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आर क्या है, रूट टू कोस थीटा माइनस पाई बाई फोर प्लस आयोटा एज इट इज़ आर रूट टू आ गया, साइन माइनस पाई बाई फोर, दोनों में से रूट टू को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन माइनस से पाई बाई फोर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, माइनस वन प्लस आयोटा। जेड हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस वन प्लस आयोटा, बाई कंपेयरिंग जेड इज इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर ए साइन थीटा। अब कंपेयर करेंगे, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन और आर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस वन, ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग स्केयर करेंगे आर स्केयर और ये क्या हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर, दोनों में से कॉमन क्या आया, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन का स्केयर वन प्लस वन, आर स्केयर ये वन हो जाएगा इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्केयर को इधर लेके आए रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू। अब वैल्यू पुट करेंगे, आर हमारे पास क्या है, रूट टू कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन एंड रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन, कोस थीटा माइनस वन बाई रूट टू, साइन थीटा वन बाई रूट टू। फिर वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे हम, साइन थीटा पॉजिटिव और कोस थीटा नेगेटिव किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वैल्यू वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कहाँ होती है, पाई बाई फोर पे, दोनों में सेम वैल्यू होती है, तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई में से ये हमारे पास पाई है, पाई में से माइनस कर देंगे, पाई बाई फोर क्या आ जाएगा, थ्री पाई बाई फोर। पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है, रूट टू कोस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा रूट टू थ्री साइन थ्री पाई बाई फोर, रूट टू दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा कोस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाई फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे, जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा बाई कंपेयरिंग जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस वन के, और आर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस से वन के इक्वल होगा, ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग, दोनों का स्केयर करेंगे और एड करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन का स्केयर प्लस माइनस वन का स्केयर, दोनों में से कॉमन क्या लिया, आर स्केयर, अंदर क्या आ जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन का स्केयर वन प्लस माइनस वन का स्केयर वन, वन प्लस वन क्या आएगा टू, आर स्केयर इज इक्वल टू टू और आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट टू। अब वैल्यू अप्लाई करेंगे आर की, आर की वैल्यू क्या है, रूट टू कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, इधर भी रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, कोस थीटा माइनस वन बाई रूट टू और साइन थीटा माइनस वन बाई रूट टू। अब ये वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कहाँ होता है, पाई बाई फोर पे होता है, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं तो किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकाल देंगे, पाई बाई फोर माइनस से पाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री पाई बाई फोर आ जाएगा। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है, रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म माइनस थ्री। अब माइनस थ्री दे रखा है, इसको पहले हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस जीरो आयोटा लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग आर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर कोस थीटा हमारे पास क्या है, माइनस थ्री, आर साइन थीटा हमारे पास क्या है, जीरो। ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग इधर क्या आ जाएगा, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री का स्केयर प्लस जीरो का स्केयर, आर स्केयर दोनों में से कॉमन लेंगे, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री का स्केयर नाइन, आर स्केयर क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा और आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, थ्री। अब हम वैल्यू को अप्लाई करेंगे, थ्री कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, कोस थीटा क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा माइनस वन, और साइन थीटा जीरो के डिवाइड में थ्री आएगा तब भी क्या आएगा, जीरो। जब साइन की वैल्यू जीरो, कोस की वैल्यू माइनस वन कहाँ पे होती है, माइनस यहाँ पे होती है हमारे पास पाई,
और ये होता है ज़ीरो। ज़ीरो पे हमारे पास दोनों सेम है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे होती है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव है, और माइनस करेंगे तब भी दोनों में नेगेटिव, इसलिए कोस कैसा रहता है, नेगेटिव। तो थीटा इज इक्वल टू पाई आएगा हमारे पास, जेड इज इक्वल टू पोलर फॉर्म है 3 cos π प्लस आयोटा sin π। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म √3 + i। जेड हमें दे रखा है √3 + i बाई कंपेयरिंग जेड इज इक्वल टू r cos θ + i r sin θ। r cos θ इज इक्वल टू √3 एंड r sin θ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर और एड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r² cos² θ + r² sin² θ इज इक्वल टू √3² + 1² आर स्केयर दोनों में से कॉमन आएगा, cos² θ + sin² θ इज इक्वल टू √3² क्या आएगा, 3 + 1। आर स्केयर इज इक्वल टू 3 + 1 क्या आएगा, 4, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2। 2 cos θ, अब वैल्यू अप्लाई कर दी, 2 cos θ इज इक्वल टू √3 cos θ इज इक्वल टू √3/2। इधर रखेंगे 2 sin θ इज इक्वल टू 1 sin θ इज इक्वल टू 1/2। अब कोस की वैल्यू √3/2 और साइन की वैल्यू 1/2, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू कहाँ होती है, ये π/6 पे। तो पोलर फॉर्म क्या होगी, 2 cos θ की जगह π/6 + i sin π/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म आयोटा। अब हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 0 + i बाई कंपेयरिंग जेड इज इक्वल टू r cos θ + i r sin θ। अब वैल्यू अप्लाई करेंगे, r cos θ इज इक्वल टू 0, r sin θ इज इक्वल टू 1। ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग, r² cos² θ + r² sin² θ इज इक्वल टू 0 + 1, 1 का स्केयर भी 1 आएगा, दोनों में से कॉमन r² अंदर क्या बचेगा, cos² θ + sin² θ इज इक्वल टू 1। अब ये 1 के इक्वल हो जाएगा, r² इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब अप्लाई करेंगे 1 cos θ इज इक्वल टू 0, इधर 1 sin θ इज इक्वल टू 1, 1 की और इसकी मल्टीप्लाई, cos θ इज इक्वल टू 0 और sin θ क्या आया, 1। cos की वैल्यू 0 और sin की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2। तो क्या बोल देंगे, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आर क्या है, 1, और cos π/2, थीटा हमारे पास π/2 आया, प्लस i sin π/2। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम रहेगा, जेड इज इक्वल टू cos π/2 + i sin π/2। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। ओके, थैंक यू।